पुनः आपका गुरु मत में स्वागत है और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, ग्रह गोचर अति उत्तम, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नवीन आय के स्रोतों का लाभ मिलेगा, धन वृद्धि और सुख के साधनों का उपभोग भी आप करेंगे। सुख होना अलग बात है और सुख का उपभोग करना, आज सुख का उपभोग करेंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत सुंदर गोचर है आज धनुराशि वालों आपका। क्या करें, कार्यों को विस्तार करें, कार्यों में विस्तार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, सरकारी नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, सितारों की चाल संकेत दे आज परेशानी है, आज मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट भी है, कारोबार में रुकावट है और पूंजी निवेश से हानि भी है। आज आपके अपने आप को हानि पहुंचाने का प्रयास करें और कानूनी उलझने भी नजर आ रही है। गोचर सुबह से लेकर शाम तक अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं। क्या करें, सबके साथ मिलकर कार्य करना बहुत जरूरी है। क्या न करें, जोखिम से भरे हुए कार्य न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही छोटा सा उपाय है, शनि पतनाम स्तुति का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकारी, कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति कल्याणकारी होगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर सितारों का गणना में ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि आज सफलता मिलनी ही मिलनी है। कारोबार में लाभ मिलेगा और कारोबारी परेशानियों का निवारण होगा। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, धन लाभ होगा, भाई बंधु और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आज टेंडर चाहे ऑर्डर, आज नए टेंडर जरूर मिलेंगे या ऑर्डर जरूर मिलेगा और विशेष लाभ होगा ऐसा मुझे लगता है। क्या करें, विशेष कार्य की नवीन पद्धति को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अनावश्यक रूप से वार्तालाप ना करें, बड़बोलापन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रहगोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। यदि आप बेरोजगार हैं तो आज आपको रोजगार मिलेगा और आप नौकरी में हैं तो उन्नति के अवसर मिलेंगे। हैं कारोबार में तो मन अनुकूल कार्य सफलता प्राप्त होगी, चल और अचल संपत्ति का लाभ होगा, मनोवाजी सफलता के साथ साथ आज धन लाभ भी होगा। क्या करें, नवीन योजनाओं को शुभारंभ करने के लिए बहुत सुंदर दिन है आज का। क्या ना करें, तो कागजी मामलों में, दस्तावेजों के मामले अकेला कोई निर्णय न ले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। लेकिन पुनः आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। अपने हौसले मजबूत रखो और जीवन में आगे बढ़ो, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। और सबसे पहले मूलांक एक, यदि आप स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आज अवश्य मिलेगी। नमन और बात करते हैं मूलांक दो, पुराने मित्रों से मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा और घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होगी। नमन और बात करते हैं मूलांक तीन, प्रयास सफल होंगे, प्रयासों के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी और आज नए अनुबंध मिलने की प्रबल संभावना है। नमन और बात करते हैं मूलांक चार, जिस तरह की घर योगा योग है, आज अपनों से पीड़ा महसूस हो सकती है, आज अपने लोगों से पीड़ा का एहसास होगा। वैसे बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन अपनों की वजह से परेशानी नहीं आए, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। नमन बात करते हैं मूलांक पांच, नक्षत्र का योग नजर आ रहा है कि आज आर्थिक मामले में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मूलांक छह, सितारों का बहुत अनुकूल संकेत, आज शासन और सत्ता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शासन और सत्ता का पूर्ण सहयोग से रुके हुए सारे काम मिलेंगे और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन और बात करते हैं मूलांक सात की, आज रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पास पड़ोस का वातावरण बहुत अनुकूल रहेगा और पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपको। नमन और बात करते हैं मूलांक आठ, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। आज निजी संपत्ति बनाने का दिन है, वाहन भूमि और भवन खरीदने का दिन है और इसमें आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमन और बात करते हैं मूलांक नौ, जिस तरह के घर योगा योग है, सफलता के लिए अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यदि भावुकता में कोई निर्णय लिया तो कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए हित करने, इस बात के ध्यान रखना बहुत जरूरी है, भावुकता पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। नमन नारायण। ये 9 के 9 अंकों का रहस्यमय फलादेश था और बात करते आज के उपाय।
निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में चंद्रमा अनुकूल फल प्राप्त नहीं कर रहा है। आपके अपने निजगत कर्मों की वजह से चंद्रमा से अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। तो अमावस्या के दिन काले कपड़े में 11 मुट्ठी काले तिल, 11 लोहे की कील बांधकर अपने उसे 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दे, संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपको चोट लग गई है और अस्पताल दूर है, चोट ग्रस्त भाग पर प्याज को पीसकर हल्दी मिलाकर तिल के तेल में गर्म करके पोटली बना दे और बांध उस जगह पर बांध दे, दर्द और सूजन में तुरंत फायदा देगा ये टोटका। कहीं पेड़ से गिर गए हो या दीवार से गिर गए हो या वाहन से गिरने से गुम चोट लग गई है, तो सदियों से हमारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो ऋषि मुनि है, ये उपाय अपनाए। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी या फिर आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी मिलाकर तुरंत पिला दीजिए, खून का थक्का नहीं बनेगा और दर्द से राहत मिल जाएगी। ये अद्भुत नुस्खे हैं और सारे नुस्खे, सारे उपाय, राशिफल और अंकों का भविष्यफल www.shanidam.in पे आपको मिल जाएगा। दाती गुरु मंत्र में आप सबका स्वागत है। अंदर की यदि मलिनता का निवारण हो जाए तो शांति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर का अंधेरा समाप्त हो जाए तो उजाला स्वतः ही हो जाएगा। और मनुष्य के अंदर सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान एक प्रकाश पुंज के रूप में पहले से ही विराजमान है, उसे कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं शांति को, वो भीतर में विराजमान है, बल्कि पहले से ही वहां विराजमान है। बस उस सत्ता के साथ आपको जुड़ना पड़ता है। स्वानुभूति की तराजू पर तोलने पर ही मनुष्य के प्रभु के सानिध्य पाने का स्वाद है। जब तक स्वानुभूति नहीं होगी तो भीतर में विराजमान वो शांति, वो परम सुख, वो परमानंद, वो ब्रह्मानंद, वो परमेश्वर की कनेक्टिविटी आपसे नहीं होगी। और जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वो आनंद और वो परमानंद आपको नहीं मिलेगा, और कनेक्टिविटी हो गई तो वो आनंद और परमानंद आपको मिल जाएगा। उसको पाने के लिए, उस सानिध्य को पाने के लिए, उस स्वाद को पाने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। संत महात्माओं की बताई गई मार्ग पर चलना पड़ता है, सदगुरु जो रास्ता बताता है उस रास्ते पर चलना पड़ता है। और जब शिष्य गुरु महाराज जी की बताई गई मार्ग को पकड़कर सत्संग, सेवा और सुमिरन करता है तो भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है और वो उस परम सुख को पा लेता है जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे मित्रों, परमात्मा को पाने के लिए वैराग्य का होना इतना जरूरी, वैराग्य सन्यासी बनना इतना जरूरी नहीं है। मन में वैराग्य उत्पन्न करना बहुत जरूरी है, मन में विवेक उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। चित्त के गहरे शांत जल में देखने और सुनने और छूने से जो तरंगे उत्पन्न कर मन सागर में अशांति पैदा करता है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। मन को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी, मन को समझना बहुत जरूरी, मन के साथ रहना बहुत जरूरी, जागृत अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। और मन की तरंगों को जो शांत कर देता है वही उस परमानंद में लीन हो जाता है। ऐसे ही महापुरुषों का अनुभव है। बाहर जितने भी हम कर्मकांड करते हैं उससे हमारी संसारिक सारी उपलब्धियां हमें मिल जाती हैं। जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ परमात्मा को लेकर करते हैं उससे हमारी संसारिक समस्याओं का निवारण होता है। और अंदर की जो जितनी पूजा पाठ है, भीतर का जो ध्यान है, भीतर की जो साधना है, वो हमें जीते जी उस परमानंद का अनुभव कराती है जिसकी वजह से हम हैं। इसलिए अंदर की मलिनता का साफ होना बहुत जरूरी है और असली बदलाव अंदर की, अंदर से ही अपेक्षित है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बाहर से बदलने से कुछ नहीं होगा, आवरण धारण करने से कुछ नहीं होगा, हमें आवरण सारे उतारना होगा। जो आप हैं उस परम सत्य के साथ आपको जुड़ना होगा। जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। और मैं हमेशा इसकी चर्चा आप लोगों के सामने लेके आता हूं। बड़ा विषय, बड़ा नीरस है, आपको समझना होगा। कहते हैं कि लोग 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 1 मन है,
चित है, अहंकार, बड़ी लंबी लंबी बात है। कहते मैं कहता हूँ कि यदि सदगुरु से प्राप्त युक्ति मिल जाए तो सारे के सारे आपसे दूर हट जाएंगे। ना वहाँ ज्ञानेन्द्रिया काम करते, ना कर्मेंद्रिया काम करते, ना मन काम करता, ना चित्त काम करता, ना बुद्धि काम, ना अहंकार काम कर। मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है वो ज्ञान जो गुरु महाराज जी देते हैं। और जब उस ज्ञान को आप पा लेंगे और जब उस अभ्यास के मार्ग पर चल पड़ेंगे, जब आप सुचिता का ध्यान रखेंगे भीतर के आगे, तो विवेक जागृत होगा। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो फिर संसार को त्यागने की जरूरत नहीं। संसार में रहते हुए उस परमानंद, परम सुख और परम शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। और इसी के लिए मैं रात दिन प्रयत्न करता रहता हूं आप लोगों के साथ। ज्यादा कुछ कहना नहीं है, एक ही बात कहनी है कि आप अपने आप को जान सकते हैं, आपके भीतर छुपे उस परमानंद को आप पा सकते हैं, और मैं उसमें आपको सहयोगी बन सकता हूं। बात करते हैं आज के सुझाव। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन श्री यंत्र के सामने घर में घी का दीपक जलाकर ओम लम लक्ष्मी नमः, सोमवार के दिन श्री यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर ओम लंग लक्ष्मी नमः मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से धन में लाभ मिलता है और ये 12 के 12 राशियों पर लागू होता है। आज इतना है। कल के लिए क्या आपका कल जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, तो क्या करें उपाय कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। पारिवारिक तनाव से छुटकारा पाने का क्या है टोटका, और कहीं जल गया है तो क्या है नुस्खा। साथ ही मंगलवार का अद्भुत सुझाव क्या है, सारा सब कुछ बताऊंगा। आज इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ में। नमो नारायण।